देखिए, जो बिंदु है महत्वपूर्ण वो ये है, सबसे पहले कि लास्ट मेंटेनेंस कब हुआ, दूसरी चीज़ ये है इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरी बात यह है कि जो कैपेसिटी है उस बिल्डिंग की वो कैपेसिटी कितनी है और उसमें लोड सेंक्शन कितना है, तीसरी बात है कि जो वायरिंग वगैरह है वो कब से नहीं की गई है उसमें, तो वो सिर्फ सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं सब समझता हूँ एक इलेक्ट्रिकल ऑडिट की ज़रूरत है बिल्डिंगों में, और दूसरी बात यह है कि जो दस्तावेज संबंधित हैं तो वो तो सरकारी अधिकारी ही बता पाएंगे, ये कि अन्य लोगों से बात करके पता चलेगा, जाँच के बाद पता चलेगा कि ये घटना जो है जानबूझ के की गई है कि ये घटना जो है नेचुरल उसमें हुई है। अब डिफेंस में आ गए हैं पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा है कि उनके शासनकाल में कोई गड़बड़ी ऐसी नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसे दस्तावेज है जिनको उनको जलाने की दरकार पड़ेगी। अब पुराने मंत्री जी ने तो पिछले 15 साल में क्या किया है वो तो जनता अच्छे से जानती है, सीवरेज परियोजना, जल आवर्धन परियोजना, और पता नहीं स्वास्थ्य, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं ये सबको पता है, पूरा विश्व जानता है, देश की बात छोड़िए। तो माननीय मंत्री जी जो यहाँ पर थे उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं इतना जरूर कहूँगा कि उनके कार्यकाल में जिस विभाग में भी वो रहे उस विभाग में बड़े बड़े कांड हुए हैं और जनता बहुत परेशान हुई है, इसलिए वो तो इस विषय में कुछ कहे ना। हाँ, उनके कार्यकाल की जांच जो है वो जरूर होगी और हमारी सरकार जरूर जांच करवाएगी। ये प्रधानमंत्री आवास आवरण